नए लोगों से सावधान। एक जंगल में सुंदर सी हिरन रहती थी। भागने में तेज उससे ज्यादा और कोई नहीं था। हिरन की अच्छाई था कि जंगल के सारे जानवरों को दोस्त बनाना। वह किसी के भी दुख सुनकर मदद करती, इसीलिए हिरन जंगल के सारे जानवरों को बहुत प्यारी थी। एक दिन एक भेड़िया आकर हिरन से बहुत प्यार से बात करके परिचय बढ़ाया, फिर हिरन से दोस्ती का अनुरोध किया। भेड़िया की दोस्ती हिरन ने भी मान ली। ऐसे हिरन और भेड़िए के बीच दोस्ती रोज रोज बढ़ता गया। एक दिन भेड़िया ने हिरन से कहा, दोस्त हम आज एक सुखद स्थान पर जाएंगे, मेरे साथ आओ, बोलकर हिरन को ले गया। भेड़िया के ले जाने वाला स्थान हिरन को बहुत पसंद आया। कुछ देर उधर गप्पे लड़ाए। हिरन अचानक पीछे मुड़कर देखने से दूर से एक बाघ हिरन के पास दौड़ते हुए आ रहा था। हिरन अपनी जान बचाने के लिए बिजली की गति से दौड़कर भाग गई। एक हफ्ते बाद भेड़िया हिरन से मिलकर कहा, मुझे क्षमा कर दो दोस्त, तुम्हें बेकार में ही उधर ले गया। उस दिन एक बड़ी सी संकट से बच गए, जान से बचकर निकल पड़े। मेरे दोस्त को टीक देखकर खुशी हुई। हम फिर कभी उस स्थान पर नहीं जाएंगे। आज एक और सुंदर सी स्थान पर ले जाओ, उधर कोई खतरे नहीं होंगे, चले दोस्त। भेड़िए की दोस्ती के कारण हिरन ने मान ली। भेड़िया ले जाने वाला स्थान बहुत ही सुंदर था। कुछ देर बाद कुछ हलचल से हिरन पीछे मुड़कर देखी। पहले ही उस पर हमला करने वाला बाघ फिर से दिखा। वह बाघ इस बार किसी भी तरह हिरन पर पंजा लड़ाने के लिए पीछा पड़ा था, पर हिरन बिजली की गति से दौड़कर बच गई। हिरन उसके स्थान पर पहुंचने के बाद बाघ और भेड़िया के साथ होने की चाल समझी। चाल बस भेड़िया, मुझसे बातें बनाकर जानबूझकर बाघ के पास ले गया। बाघ और भेड़िया मिलकर मुझे मार के खाने के लिए नाटक कर रहे हैं। दोस्त पर यकीन करने वाले विषय पर ध्यान ना हो तो धोखा खाएंगे। नए लोगों पे इतनी जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए, बोलकर हिरन ने एक योजना तैयार की। 4 दिन बाद हिरन के पास भेड़िया आकर हमेशा की तरह एक नई नाटक शुरू करने लगा। इस बार हिरन एक अद्भुत दिखाऊंगी करके शिकारी की जाल बुनने के स्थान पर ले गई। वह स्थान भेड़िया के लिए नए होने के कारण वह अंधा होकर हिरन के पीछे चला। आखिर में शिकारी के जाल में फंस ही गया। सभी को अपने मीठी मीठी बातों में फंसा कर धोखा देने वाले भेड़िया को सबक देने वाली हिरन को जंगल के सारे जानवरों ने प्रशंसा की। इस कहानी की नीति है कि नए लोगों पर जल्दी विश्वास ना करें, थोड़ा सावधान रहे। शरारती बंदरों का झुंड। एक बार एक जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पर एक शरारती बंदरों का झुंड रहा करता था। वो शरारती बंदर हमेशा खाने की बर्बादी करके खुश होते थे। वो आधा खाते थे और आधा फेंक देते थे। कभी कभी वो पेड़ की टहनियों को भी तोड़कर उससे खेलते थे। जंगल के सभी जानवरों को ये बात पता थी। वो सब हमेशा चुप रहते थे, पर कभी उसे कुछ नहीं बोलते थे और ना ही कोई उनसे दोस्ती करता था। कुछ दिन बाद गर्मियों का मौसम आ गया, जिसके कारण जंगल के सभी तालाब और नदियाँ सूख चुकी थी और उनको पीने के लिए पानी नहीं था। बंदरों को प्यास लग रही थी, इसीलिए वो पानी की तलाश में यहाँ वहाँ घूमने लगे और जंगल के बहुत दूर चले गए। बहुत दूर सूरज की रोशनी से जमीन चमक रही थी। ये देखकर बंदरों को लगा कि वो तालाब है और वो वहाँ भाग कर आ गए। कुछ देर बाद वैसे ही उन्हें फिर से तालाब नजर आया और वो उस तरफ भागने लगे। पानी की तलाश करते करते वो यहाँ वहाँ भागने लगे। वो थक चुके थे, इसीलिए उन्हें अब और प्यास लग रही थी।
उनकी जबान सूख चुकी थी और गर्मी के कारण उनका सर फटने लगा और उनके पैरों में छाले पड़ चुके थे। एक झाड़ के नीचे बैठकर वो आराम करने लगे। एक बंदर ने कहा, अगर मुझे पानी नहीं मिलेगा तो इस कड़क धूप में मैं प्यासा ही मर जाऊंगा। दूसरे बंदर ने कहा, क्या करे, हर जगह हमें पानी तो नजर आता है पर जब हम पास जाते हैं वो गायब हो जाता है। वहीं पेड़ के पास खड़के एक हाथी उनकी बातें सुन रहा था। वो उनकी मदद करने के इरादे से उनके पास आया और कहने लगा, मुझे तुम लोगों पर बहुत तरस भी आ रहा है और हंसी भी आ रही है। क्या सूरज की चमक और पानी में तुम्हें फर्क नहीं पता? उस चमक को तुम पानी समझ बैठे? यहीं पास में एक तालाब है, वहाँ जाकर अपनी प्यास बुझा लो। हाथी की बात सुनकर एक बंदर को बहुत गुस्सा आया और वो कहने लगा, ओहो, ऐसा बोल रहे हो जैसे तुम ही सबसे समझदार हो और हम तो यहाँ बेवकूफ खड़े हैं। इतना कहकर वो हाथी के ऊपर चढ़ गया और उसका गला पकड़ लिया। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन करो। हाथी जोर जोर से बोलने लगा, आज तक हमें इस जंगल में किसी ने भी सलाह नहीं दी और तुम्हारी इतनी हिम्मत। एक के बाद एक सब बंदर उस पर कूद पड़े और उसे मारने लगे। हाथी किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। बंदर जिस जगह हाथी ने कहा वहां तो नहीं गए पर दूसरी दिशा में वैसे ही ढूंढते रहे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मूर्खों को समझाना भी मूर्खता है। बंदर और मगरमच्छ की कहानी। एक जंगल में एक बड़ा सा नदी था। उस नदी के किनारे एक आम का पेड़ है। उस पेड़ पे एक बंदर रहता था। बंदर और नदी के मगरमच्छ दोस्त हुए। मगरमच्छ का घर उधर से बहुत दूर होने पर वह रोज सुबह ही निकलकर बंदर के पास आता था। उसके दोस्त आते ही पेड़ के आमों को तोड़कर उसकी तरफ फेंकता। ऐसे पूरा दिन मीठे आम खाते हुए पेड़ से बंदर और नदी से मगरमच्छ गपशप करते। फिर शाम को वापस आते वक्त बंदर के दी हुए आमों को मगरमच्छ घर ले जाता। मगरमच्छ की पत्नी भी उन आमों को मजे से खाती थी। उसके खाने तक मगरमच्छ अपने दोस्त बंदर का बहुत तारीफ करता था। बंदर और मगरमच्छ की दोस्ती देख जंगल के सारे जानवर चौंक जाते। उस आम के पेड़ पर कभी कभी एक कौवा आकर बोल जाता कि उस मगरमच्छ पर वह भरोसा ना करे। दोस्त, मगरमच्छ मांस खाता है, अगर कभी तुम उसके हाथ आ जाओ तो वो तुम्हें भी मार के खा लेगा। लेकिन बंदर को मगरमच्छ पर पूरा विश्वास था, इसीलिए उनकी दोस्ती बहुत आगे बढ़ी। ऐसे आगे चलकर मगरमच्छ की पत्नी में दुर्विचार आया। उसने कहा, बंदर का दिल बहुत स्वादिष्ट होता है, ऊपर से वह रोज उन आमों को खाता होगा तो उसका दिल और ज्यादा मीठा होगा। तुम उस बंदर को मारने पर हम दोनों उसके दिल को बांट कर खाएंगे। यह सुनकर मगरमच्छ आग बबूला होकर गुस्से से पूछा, बंदर मेरा अच्छा दोस्त है, अच्छी बातें करता है, मैं भला दोस्त को कैसे मारूं? इससे मगरमच्छ की पत्नी मुंह मोड़कर पति से रुककर बातें भी बंद कर दिया। खाना पीना भी छोड़कर पति का सुख चैन छीन लिया। आखिर में पत्नी की जिद बर्दाश्त ना कर पाते हुए उसकी जिद मान गया। ठीक है, आज शाम को बंदर ले आऊंगा, तुम्हारा जो मर्जी करो, बोलकर बंदर के पास चल पड़ा। बंदर को ले जाने के लिए रास्ते में उसे एक चाल सूझी। पेड़ के पास आई हुई मगरमच्छ को देख बंदर हमेशा की तरह खुशी से मिला। बंदर दोस्त, हमारी दोस्ती के बारे में मैंने अपनी पत्नी से कहा, वह बहुत खुश हुई, तुम्हें आज दावत का निमंत्रण दिया। यह सुनते ही बंदर उछल पड़ा। पहला तो वह पेड़ पे अकेले रहने पर
परिवार दावत बोलने से तुरंत मान गया। पर मुझे तो पानी में तैरना नहीं आता ना, फिर जाना कैसे दोस्त? मगरमच्छ ने कहा, तुम्हें कोई डर नहीं, तुम अच्छे से मेरे पीठ पर बैठो, मैं ध्यान से ले जाकर ले आऊंगा। बंदर बहुत ही उत्सुकता से कूदकर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। मगरमच्छ पानी में तैरते हुए बंदर को अपने घर ले गया। कुछ दूर जाने के बाद बंदर ने देखा कि मगरमच्छ परेशान था। खुशी से दावत की न्योता देखकर आप उदास क्यों हो दोस्त, बोलकर पूछा। कैसे भी आधा पहुंच गए, ऊपर से नदी के बीचों बीच है, अब सच बोल ही देता हूँ, सोचकर मगरमच्छ मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाने तक पानी भी नहीं पीऊंगी करके जिद पर बैठ गई। अब ना कुछ कर पाते हुए तुम्हें झूठ बोलकर ले जा रहा हूँ। ये बात सुनकर बंदर के होश उड़ गए। सबकी ना सुनते हुए इस मगरमच्छ पर भरोसा करने पर खुद को कोसने लगा। लेकिन बंदर बहुत चतुर था, वह बचने के लिए जल्दी सोचने लगा। तुरंत जोर से हंसकर बोला, बस इसके लिए उदास थे? पहले बोलती तो मैं खुद मेरा दिल ला कर देता ना, लेकिन अब तो वो मेरे पास नहीं है, पेड़ के पास ही संभाल कर रखा है। फिर से वापस ले जाओगे तो पेड़ के ढाल से मेरा दिल ला कर तुम्हें दूंगा, तब तुम और तुम्हारी पत्नी खुशी से खा सकोगे। मगरमच्छ बंदर के बातों में आकर बिना दिल के बंदर को ले जाने से उसकी पत्नी चार लगा देगी, करके वापस बंदर को पेड़ के पास ले गया। बंदर ने एक छलांग से मगरमच्छ की पीठ से पेड़ छेड़कर सांस छोड़ी। पेड़ के डाल पर बैठकर बंदर ने गुस्से से कहा, दिल नहीं कुछ नहीं, दोस्त की जान लेने वालों से मुझे कोई मतलब नहीं। इस कहानी की सीख है कि बुरों के साथ दोस्ती भी बुरा ही होता है।